पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या प्रहलाद जी आए हैं क्या? बड़ा ही सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों को कीर्तन और सत्संग प्राप्त होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्तमाल से हाँ। बड़ा सुंदर आज हमारे राधा रमण जी ने पूज्य मल्लूपीठ सरकार का एक सत्संग भेजा था। किस किस ने सुना है? हरि बोल। किस किस ने सुना? परिकर ग्रुप में कौन कौन है? चलो, बड़ा ही सुंदर चरित्र था। हमारे मल्लूपीठ सरकार ने बताया कि 3 दिन में एक साधक को भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही कई संतों के चरित्र आज मैंने भक्तमाल में पढ़ा। श्री मुरारी दास जी का चरित्र, बड़े विलक्षण भक्त हुए। उससे पहले स्वामी जी का एक विचार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस चरित्र पर चर्चा करेंगे और मल्लूपीठ सरकार ने जो सुनाया उसे भी सुनेंगे। मैं एक पद लाया था, मेरे को बड़ा सुंदर लगा था। मैंने कहा प्रहलाद जी होंगे तो उनसे सुनेंगे, और प्रहलाद जी हैं नहीं, आएंगे तो जरूर सुनेंगे। स्वामी जी कहते हैं, हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन अमूल्य है। खाना पहनना भोग आलस्य प्रमाद, शरीर के पालन पोषण में समय बिताना, गले में छुरी मारना है। अब कहेंगे सबके गले पे छुरी चल रही है, ये स्वामी जी ने ऐसी बात बोली। जब जरूरत हो तब सो लेना, नींद आ रही है सो ली, भूख लग रही है खा ली, प्यास लग रही है पानी पी लिया, जब जरूरत हो तब हो जाना, उसके लिए स्वामी जी ने कहा है। अब ये नहीं कि अंगद दास की तरह वो 16 घंटे सो ही रहा है, वही आज छुट्टी है तो अंगद दास फुल सैटरडे संडे एंजॉयमेंट चल रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य तन पाया और उसे ऐसे ही विषयों में खो दिया तो ये आत्महत्या है। जहर पीना है। आप अपने समय को शरीर के लिए बिता रहे हैं, यह शरीर आपके क्या काम आएगा? 10 सेर मांस बढ़ा लोगे तो क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? शरीर से तुम्हारा वियोग होगा ही। मनुष्य धर्म का पालन नहीं करें तो पशु के समान ही है। दो बातें कही यहां पर कि जो समझ में आती हैं। पूज्य बाबा कहते हैं कि पहला, प्रभु पर अखंड विश्वास रहे कि वे ही मेरे सब लोक परलोक का समुचित निर्वाह करेंगे। ध्रुव जी, पहला यह विश्वास रहे कि प्रभु
ही मेरे लोक परलोक का समुचित निर्वाह करेंगे, और दूसरा जीभ के द्वारा भगवान के नाम का निरंतर अभ्यास किया जाए। तो बाबा कहते हैं ये दो कर्तव्य पालन होते रहें तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। भाई जी भी यही कहते हैं, प्रभु की कृपा का विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, ये दो जिस साधक के जीवन में होती हैं उसका काम हो जाता है गोपी शुरू। अच्छा ध्यान रखना नीचे न चले। तो प्रभु की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। स्वामी जी ने कहा, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। ये यहाँ तो खुला दरबार है, जो चाहे भगवान का नाम ले सकता है। भगवान ने कोई बंदिश नहीं लगाई कि जवान नहीं लेंगे बूढ़ा नहीं लेगा, या बूढ़े ही लेंगे जवान नहीं लेगा। जब मौत पर बंदिश नहीं, भगवान ने तो कहा भाई जरूरी थोड़ी है जवान मरेगा बूढ़ा नहीं मरेगा, या बूढ़ा ही मरेगा जवान नहीं मरेगा। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। तो नाम का स्वाद ले लेकर नाम जप करो, नाम का स्वाद ले लेकर नाम जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन क्या कभी तू श्री रघुनाथ जी से भी लगेगा, क्या तू कभी श्री रघुनाथ जी से लगेगा। रे कुटिल तू कुमार्ग बुरी चाल दुर्बुद्धि बुरी कामनाएं और छल कपट कब छोड़ेगा। तू बड़े भारी अज्ञान के वश होकर जहर को अमृत मान रहा है और भगवान के भजन रूपी अमृत को आग के समान समझ रहा है। अपनी इस उल्टी रीति और विषयों की प्रीति को त्याग कर तू राम जी के चरणों में कब प्रेम करेगा। कब तू राम नाम के सुंदर अक्षर और कोमल अर्थ रूपी लड्डुओं को श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी चाशनी में पगेगा। भाव यह है कि क्या तू प्रेम पूरित हृदय से कभी अर्थ सहित श्री राम नाम का जप करेगा। जो तू इस तरह अपने स्वामी के गुणों को गा गा कर उन्हें रिझा लेगा तो तुझे मुंह मांगा पदार्थ मिल जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं तुझे मुंह मांगा पदार्थ मिल जाएगा। इस प्रकार करने से तू मोक्ष की सुख सेज पर सदा के लिए सो जाएगा, तेरे मन की बड़ी भारी जलन भाग जाएगी, तेरे मन की बड़ी भारी जलन भाग जाएगी। तो जब हम राम जी के चरणों से लगे पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय बरसाना जय नंदगांव पावन राधे तेरो नाम श्री यमुना जी ललित ललाम बोलिए राधा माधव सरकार की जय गुरुदेव भगवान की जय। तो चार चीजें भजन नहीं होने देती ध्रुव जी। पहला प्रमाद, दूसरा सुमंदमति। सुमंदमति का क्या अर्थ, प्रमाद का तो पता ही है,
सुमंदमती, अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ देना चाहते हैं पर खुद नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष गुण आप मेरे में देख सकते हो। मेरे काका, अपने गुण से खुद लाभ ना लेकर दूसरों को ज्ञान दे देना, दूसरों को लाभ देना। तीसरा है मंद भाग्य। मंद भाग्य बहुत अद्भुत है, इस पे मल्लुपीठ सरकार ने तो बहुत विस्तृत व्याख्या करी थी, पर जो मुझे समझ में आया कि संत मिलने पर भी भोगों में लगे रहना, संत मिलने पर भी भोगों में लगे रहना, संत का संग मिलने पर संसार के पदार्थ वमन के जैसे लगने लगे, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए, संसार के पदार्थ वमन जैसे लगने लगे, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता मन में जगे, ऐसी बात मन में आनी चाहिए। तो तीन हो गए गौरांग गुरु, पहला, दूसरा, तीसरा मंद भाग्य, और चौथा कहा उपद्रवी जीवन का होना, चौथा उपद्रवी। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने बोला सिर्फ बीड़ी पीना ही व्यसन नहीं है, सत्संग में मन न लगना, कीर्तन में मन न लगना, सत्संग में न बैठना भी व्यसन है, न बैठ पाना। कई ज्ञानियों में भी ये महाराज जी कहते हैं कि ये व्यसन पाया जाता है कि वो सिर्फ अपना ही सुन सकते हैं, दूसरे का नहीं सुन सकते हैं। कई लोग, महाराज जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे बड़े महापुरुषों को देखा है कि बड़े पांडाल में कीर्तन चला और खुद बड़े संत हैं पर कीर्तन नहीं बोलते हैं, मुख से कीर्तन नहीं बोलना जानते। कई लोग काटते ही रहते हैं, छांटते ही रहते हैं, ये सिद्धांत सही नहीं है, ये सही नहीं। और आजकल तो भ्रमार है, जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर के ऊपर सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे, सबके पास अपना ज्ञान है, सब सिद्ध हैं इस समय, जब तक नहीं बन रहा था कोई नहीं बोल रहा था, और जब बनने लगा है तो सबके पास अपने अपने तर्क हैं। इस विषय में मेरे बोलने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन फिर मेरे मन में बात आई है काका, जब तक रोटी नहीं थी खाने को तो कोई रोटी बात नहीं कर पा रहा, और रोटी मिल रही वो भी घी चुपड़ी, तो खा नहीं रहे, है ना। तो भैया जैसा है, जैसा भगवान का विधान है वैसे में राजी रहना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही। पूज्य सेठ जी कहते थे, सेठ जी किसी पे अपने सिद्धांत थोपते नहीं थे, सेठ जी को खुद शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, लेकिन सेठ जी कभी भी ना गुणग्राही थे हमेशा से। सेठ जी हमेशा ये बात बोला करते थे, अगर कोई बात गलत लगती ना तो सेठ जी कहते थे बात बहुत अच्छी है, सब चीज़ ठीक है, पर मेरे जचती नहीं है, ऐसा बोलकर सेठ जी निकल जाते थे कि मेरे जचती नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे जच नहीं रही बस ये बात, बाकी आपको बहुत लाभ देगी। तो सेठ जी का ऐसा स्वभाव था, बड़े विलक्षण थे सेठ जी। आजकल मैं सेठ जी का चरित्र पढ़ रहा हूँ तो पूरे दिन सेठ ही घूमता है दिमाग में। सेठ जी बड़े उदार मना जिसे कहते हैं ना, बहुत जीवों के कल्याण के लिए उनके पास इतने जुगाड़ थे, इतने तरीके थे सेठ जी के पास, अद्भुत तरीके से हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति में नारायण भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है वो सेठ जी के जीवन से पता चल रहा है मुझे। अभी तो उनके परिकरों के और भी संस्मरण में पढ़ने जा रहा हूँ, भाई जी बाबा के साथ उनकी मैत्री कैसी थी, कैसा प्रेम था। और महापुरुषों का जो जाना होता है वो बड़ा विलक्षण होता है, वो एक एक चीज़ सिखा करके जाता है साधक के जीवन में। आप कभी भी पढ़िए बाबा का या भाई जी का या सेठ जी का कभी पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी अच्छी अनुभूति होगी। कईयों को अच्छा नहीं लगता है भी जाने का प्रसंग क्यों पढ़े, एक ने मेरे से बोला था कि आप जाने का क्यों पढ़ते हो, मैंने कहा जाने का इसलिए पढ़ता हूँ मैं जागृत रहूँ कि वे संत से कैसे लाभ लेना चाहिए, मज़ा आता है उस चीज़ में, हृदय कंपित होता है, आंसू निकलते हैं, द्रवित होता है चित्त, चित्त द्रवित होता है। दिक्कत यह है कि हमारा चित्त जो है ना वो कठोर हो गया बहुत ज़्यादा। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, जब
एक बार भैया कौन सा एक कुंज है क्या है वृंदावन में, रासमणि दास जी महाराज हुए हैं एक, तो उनके बारे में बताया था कि जब भक्तमाल शुरू होती थी तो रासमणि दास जी महाराज आगे आकर बैठते थे, और जैसे ही बोला जाता था ना भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो भक्त बोलते ही रोने लग जाते थे, ऐसा द्रवित हृदय था उनका। ऐसे ही भक्तमाली जी महाराज पूज्य मलुकपीठ सरकार के गुरुदेव, वो भी उनका भी भाव ऐसे ही रहता था, महाराज जी कहते हैं उनके भी नेत्र भरी आते थे। तो भक्त नाम सुनते ही भक्ति भगवंत गुरु और वर्णन पे तो क्या ही स्थिति रहती थी। तो भैया सत्संग में मन न लगना, कीर्तन में मन न लगना, ये भी व्यसन है। मैं बता रहा था आज मलुकपीठ सरकार का, पहले वो प्रसंग बता देता हूँ, बहुत सुंदर लगा आज राधारमण जी ने भेजा था, वो सुनने के बाद से दिमाग का ऊपर वाला माला कह रहा भजन कर बेटे, बार बार वो चित्त में आ रही है बात। महाराज जी ने कहा कि एक लड़का था और पटना में महाराज जी की कथा चल रही थी, पहले बक्सर में हुई तो फिर पटना में हुई, तो वहाँ पर उन्हें एक बालक मिला, वो बालक रोता रहता था, तो उन्होंने कहा मुझे महाराज जी से मिलना है। तो महाराज जी थोड़ा सा, फिर जो परिकर होते हैं उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी ये तो ऐसे ही रोता रहता है, ये कोई बालक ये परेशान करे, तो महाराज जी का नहीं नहीं हम मिल लेंगे, और महाराज जी उस साधक से एकांत में मिले। उस साधक से जब महाराज जी ने बात करी मलुकपीठ सरकार ने, तो उसने कहा मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और मैंने आपके सत्संग में ये बात सुनी है। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा कौन सा मंत्र जपते हो, तो उन्होंने कहा द्वाद अक्षर मंत्र होता ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही होता, तो उसका जप करता हूँ और नित्य रुदन करते थे, और कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो चुका था। तो किसी ने बताया था महाराज जी को, महाराज जी कुछ पाता है, तो महाराज जी ने कहा तुम हमारे कहने से कुछ खा लो, तो उन्होंने फिर कढ़ी चावल खाए, महाराज जी आपका उच्चिष्ट दो तो मैं पा लूंगा, तो फिर उन्होंने कढ़ी चावल लिए थे, महाराज जी ने कहा हमने कढ़ी भात उन्हें खिलाया, कढ़ी भात खिला करके, और फिर वो महाराज जी गए और फिर वो वृंदावन पहुंचे। वो बालक अपने माताजी पिताजी से पूछ कर आया, अच्छा नौकरी करते थे शिमला में, सरकारी नौकरी, गेस्ट हाउस के मैनेजर थे, अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके, उनके पिताजी बहुत गुस्से हुए उनसे कि भैया सरकारी नौकरी छोड़ दी, पर उनके मन में था कि भगवान की प्राप्ति करनी है, सत्संग में बात सुन ली थी। इससे पहले जब मलुकपीठ सरकार ने शुरुआत करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये संतों के हृदय की पीड़ा है। महाराज जी ने कहा कि मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है कथा कहने का, ऐसा मन ही नहीं करता, मन करता है एकांत में भजन करें चुपचाप आराम से, पर फिर भी महाराज जी ने कहा कि ऐसे प्रसंगों को सुन करके फिर मन में आती है कि हाँ कह देना चाहिए, सत्संग बोलना चाहिए, कि ना जाने कौन से कोई अधिकारी मिल जाए जो एक को भी अगर ऐसी चाह हो गई तो काम हो जाएगा, एक को भी अगर ऐसी चाह हो जाए भगवान की प्राप्ति की, तब भैया हाँ तुम्हारे कहने से किसी एक को हो जाए तो। तो भैया महाराज जी ने वो लड़का हो पिताजी से अपने पूछ करके वृंदावन पहुंचा, वृंदावन पहुंचकर महाराज जी कहते मलुकपीठ उस समय थोड़ा खंडर हुआ करता था, ज़्यादा कुछ बना नहीं था उसमें, तो शायद टीन के नीचे एक रहने लगे, वो आसन डलवाया उनका, और खाना पीना वो वैसे ही खाते नहीं थे, तो एक दिन कह दिया कि अब मैं जल भी नहीं पीऊँगा, अब मैं जल भी नहीं पीऊँगा। तो महाराज जी कहने लगे, वहाँ के आश्रम में जो लोग रहते उन्होंने कहा कि हैं गंगादास बाबा जी ने कहा कि महाराज जी नया लड़का जवान लड़का आश्रम में मर गया तो बदनामी हो जाएगी, भाई यहाँ आश्रम में एक लड़का मर गया है तो ठीक नहीं, आप समझाइए उसे। तो महाराज जी ने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया तो माना नहीं, कहने नहीं महाराज जी मैं नहीं लूँगा कुछ, तो कह रहे फिर यहाँ से चले जाओ, महाराज जी ने यहाँ से कह रहे जाऊँगा भी नहीं, जाऊँगा भी नहीं। तो महाराज जी ने कहा भैया देखो भगवान के ऊपर है, जो होगा देखी जाएगी।
अब वो रहने लगा महाराज 3 दिन बिना जल के रहा, और तीसरे दिन रात्रि के समय महाराज जी अपने एक जो कमरा था उसमें निवास कर रहे थे, मतलब विश्राम कर रहे थे, वो लड़का रात्रि में दौड़ता हुआ आया। हाँ हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई भैया, ये तो कमाल की बात। बिहारी जी के दर्शनों के लिए बोला महाराज जी ने कि भाई बिहारी जी के दर्शन कर लो वृंदावन। कह रहे ऐसे भगवान जो मेरे आंसू ना पहुंच सकें, ऐसे भगवान के दर्शन मैं नहीं करना चाहता, तो जो मेरे आंसू पहुंच दे वैसे भगवान के दर्शन चाहता हूँ। मतलब भगवान चलते फिरते, और कहा कि मैं नहीं करूँगा दर्शन, मुझे चलते फिरते चाहिए जो मेरे आंसुओं को पहुँच सके। और महाराज जी इस बात को सुनकर द्रवित हो गए। आचार्य ने कहा विलक्षण, ऐसी त्वरा बहुत कमों में देखने को मिलती है। और महाराज वो 3 दिन तक रहे और रात्रि के समय दौड़ते हुए महाराज जी के पास पहुंचे, और महाराज जी के पास जाकर कहने लगे महाराज जी भगवान आए हैं, भगवान आए हैं और मुझे हृदय से लगाना चाहते हैं, आपके कक्ष में आए। और महाराज ऐसा बोला तो महाराज जी ने कहा रूप कैसा है, स्वरूप कैसा? तो उस बालक ने वर्णन किया भगवान का, ऐसा स्वरूप है। महाराज जी कह रहे मुझे नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे, उस बालक को दिख रहे। और इतना बोला कि भगवान कंठ से लगाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने स्वरूप पूछा और उसके बाद उस बालक को भगवान ने कंठ से लगा लिया, कंठ से लगाया और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित होकर गिरा, और गिरने बाद महाराज जी ने जल वगैरह मंगवाया, उसको थोड़ा होश में लेकर के आए हैं। महाराज जी ने अपने हाथ से पिलाया जल, उठी नहीं पाया था भैया। फिर उठे तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी अब मैं, भगवान ने मुझे कंठ से लगाया, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने कंठ से लगाया, मेरी चाह पूरी हो गई, अब मैं हिमालय जाना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम कुछ स्वेटर वगैरह सर्दी के कुछ चीज़ें ले लो, और कुछ खाने पीने कुछ वस्तुएं उन्हें बोली देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, अब ना धन चाहिए, ना तन पे ओढ़ने के लिए वस्त्र चाहिए, अब चला मैं, कोई मुझे ना जाने, मैं किसी को ना जानूं। और महाराज जी ने कैसे स्थान पर जाना चाहते, कह रहे जहाँ पर मनुष्य देखने तक ना नसीब हो, मैं मनुष्य को देखना ही नहीं चाहता किसी मनुष्य को। अरे भैया यही चाह होती है, जिसने भगवान को देख लिया फिर क्या किसी और को देखेगा, वो फिर जन्म जन्म की साध पूरी हो जाती है महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये सत्संग का प्रभाव था, ये सत्संग का प्रभाव था कि 2 बार सत्संग सुना और उससे जीवन में निर्णय कर लिया। कह रहे पिछले जन्मों में उसकी साधना अधूरी रह गई थी, इस बात को छोड़ो, भाई हो सकता है पूर्व जन्म का उसने साधना है। कह रहे प्रत्यक्ष में तो 2 बार सत्संग सुना और भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता उत्पन्न हुई, और 3 दिन अन्न जल छोड़ दिया तो भगवान के दर्शन हो गए। 3 दिन में 3 दिन की व्याकुलता। और अपने सेठ जी तो कहते हैं भैया 24 घंटे व्याकुल हो जाए कोई और बस ये सोच ले मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक संत ने तो कहा कि भैया सत्संग सुनते सुनते अगर थोड़ी एक क्षण के लिए भी आपके मन में ये बात आए ना मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपको भगवत प्राप्ति का फल मिलता है उसी तत्व, उसी क्षण मिलता है। भैया मेरे को तो बड़ा हृदय पसीजा, राधा रमण जी कह रहे गुरु जी, मैं कहा गुरु जी मत करो, चेला हूं मैं हम तो चेले हैं आपके। तो ऐसी वार्ताओं को सुनने से, ऐसी सत्संग की वार्ताएं, भक्तों के चरित्र सुनने से ये विश्वास हृदय में दृढ़ होता है कि भगवान मिलते हैं और हमें मिल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो। ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ही प्रयास की आवश्यकता है। एक संत हुए भक्तमाल में चरित्र आता है, श्री मुरारी दास जी, बड़े विलक्षण चरित्र था। मारवाड़ के प्रांत बिलौंदा में ये विराजते थे। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बिलौंदा नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति का बीज वपन कर दिया था। गीत गाती थी माता जी इनकी,
और सुंदर भजन सुनाती थी। आजकल तो बच्चे से बस पीछा छुटाना होता है, ले बेटा डोरेमोन देख थोड़ी देर, मुझे परेशान मत कर, कुछ भी सुन तू, इसमें मोबाइल देख तू, इस पे गेम खेल, चाहे कुछ कर, इसका कर, पीछा छोड़ मेरा, क्या आज पूरे दिन काम नहीं करना, खाना नहीं बना दे रहा, नाक में दम कर ले। अब उसे आदत पड़ जाती है, उसकी माँ मोबाइल हो जाती है, उसकी माँ मोबाइल है भैया, उसे जब आवश्यकता माँ की है उसे रिप्लेसमेंट में मोबाइल मिल रहा है, तो मोबाइल माँ हो गई है। देखो भैया, तो जैसे अभिमन्यु जी थे, माता के गर्भ में थे, तो उस समय भगवान की स्तुतियां और सारा ज्ञान, वो जो चक्रव्यूह भेदने का सारा राज वो गर्भ में ही जान लिया था। आजकल बच्चे भी सारे इंस्ट्रूमेंट चलाना गर्भ में सीख लेते हैं, क्योंकि माता प्रेग्नेंट होती है तो उस समय इंस्टाग्राम देख रही होती है, दवा का मोबाइल चल रहा होता है, तो बच्चा भी आते कहता है इंस्टा इंस्टा रील रील है? तो भैया फिर वो इंस्टा में पागल हो जाता है। स्वामी जी कहा करते थे, सत्संगी हैं और अपने बच्चों को सत्संग नहीं दे पाए तो फिर सत्संगी होने का लाभ नहीं रह जाता। स्वामी जी खूब डांटते थे बड़े बड़े सेठों के, भैया आते थे, बालक आते थे गर्मियों की छुट्टियों में, और बड़ी बड़ी लड़कियां जो 20-20 साल की हो जाती उनको छोटे कपड़े पहने हुए देखते थे, तो स्वामी जी कहते थे तुम सत्संगी हो, अपने बच्चियों को नहीं दे पाए सत्संग, ऐसे खूब डांटते थे स्वामी जी। तो मुरारी दास जी बचपन से ही उनकी माता जी ने उन्हें भगवान के गीत सुनाए थे, और भगवान के गीतों को सुन सुन करके मुरारी दास जी गीत गाने लगे थे, श्री कृष्ण भक्ति के गीत गुनगुनाने लगे थे, और गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। मुरारी कृष्ण भक्ति के गीत गाता था और गांव के लोग बड़े प्रसन्न होते थे, माताएं बहनें सब सुनते थे उनके गीतों को, वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, और इतना सुंदर रूप था उनका मुरारी जी का, और कंठ भी बहुत सुंदर था। अकस्मात मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया, अब वो बालक अकेला पड़ गया, पर उसका नित्य नियम चलता था, वो गीत गाता रहता था, कोई रोटी सब्जी दे जाता, कुछ दे जाता खाने के लिए तो पा लेता था, नहीं तो अपना भगवान की भक्ति के गीत गाता रहता, एक मंदिर में, माता के मंदिर में जा कर के वहीं सोता था और माँ को गीत सुनाता था, घंटों बैठा रहता और मंदिर में बैठ के उसे बड़ी शांति मिलती थी, और गांव की कुछ उदार स्त्रियाँ उसे भोजन दे जाती थी, भैया दो टाइम का, कभी कोई दे जाता कभी कोई दे जाता। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ खाने का मौका नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई दे कर इनके नहीं गया, किसी ने न किसी ने इनसे पूछा, न ये स्वयं किसी के यहाँ जाते थे कि भाई कहीं से भूख लगे तो कुछ ले आए, अपना पड़े रहते थे, भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आई कि किसी के यहाँ कुछ मांग कर खा लें, सोचा कि अब भूख लग रही है तो करूँ क्या, एक ही काम आता था, कृष्ण भक्ति के गुण गाने आते थे, गीत गाने आते थे, सोचा कि भूख लग रही है तो गीत गाता हूँ भगवान के, तो गीत गाने लगे, और आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है, इनको विश्वास हो गया कि मेरी यह आखिरी रात है, और ऐसा सोचकर इन्होंने भगवान के गीतों को गुनगुनाना शुरू किया, गाते गाते बेहोश हो गए क्योंकि पानी की कमी शरीर में हो गई थी। तो भैया कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि एक उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक माँ आई, एक देवी आई, प्रकट हुई, और देवी ने प्रकट होकर के एक थाल जो उसमें बहुत सारा प्रसाद था वो ला करके इनको मुरारी गुप्त जी को, मुरारी जी को दिया, मुरारी दास जी को, और जल भी था। मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध मैं लेती हूँ, जिसकी कोई सुध नहीं लेता उसकी सुध मैं लेती हूँ, उठो और भोजन करो।
मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यार से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर हो गया। दूसरे दिन जब नींद खुली तो घटना को सोच सोच कर मुरारी दास जी विक्षिप्त से हो गए। जब होश हुआ तो उसे एक सनक सूझी, जो भी मिल जाता उसी के चरणों में माँ माँ कहकर के गिर जाता। जो भी मिलता था उसके चरणों में जाकर कहता माँ 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 माँ, क्योंकि रात्रि का वो सपन था ना माँ का, वो जो रात्रि में प्रसाद दे करके गई थी माँ, वो उनके दिमाग में बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, लोगों को तो अटपटा लगता ही, नारायण बोरी भाई सुरती नहीं एक ठोर। तो भैया जो भगवत प्रेम में पागल हो जाता है फिर एक तरफ सुरती नहीं रहती, दिमाग नहीं रहता फिर। तो लोगों ने समझा कि ये जानबूझकर ये हरकत कर रहा, और वहाँ के बादशाह को, वहाँ के राजा को शिकायत कर दी। शिकायत करी, राजा ने भेजा सैनिकों को और कहा कि भाई लेकर के आओ। जब लेकर के आए, राजा ने जाकर उन्हें दंड देने का सोचा। तो इतनी बात उनके मन में आई तो उन्होंने कहा कि, राजा ने कहा कि तुम्हें यहाँ से देश निकाला दिया जा रहा है, तुम यहाँ नहीं रहोगे इस राज्य के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है। इतनी बात सुनी तो भैया मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए वो वृंदावन गए, क्योंकि मुरारी दास जी छोड़ करके वृंदावन पहुँच गए थे। क्या भैया हमारा ठिकाना कहाँ है, जिसे कहीं ठोर नहीं मिलते वो वृंदावन पहुँचता है। बड़ा सुंदर एक पद है, अहो धन श्री वृंदावन धाम, जहां समाज रहत संतन को, गावत हरि को नाम, गावत हरि को नाम, निस दिन जहां निकुंजनी बिहरत श्यामा श्याम, जहां बिहारी निज जन के शव पूजत मन के काम, धन श्री वृंदावन धाम। अहो श्री वृंदावन धाम धन्य है, जहां संतों का समाज रहता है, जो नित्य श्री हरि के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री केशव देव कहते हैं, ये कवि हुए, कि जहाँ श्री श्यामा श्याम निस्दिन कुंजों और निकुंजों में विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी कृपा पूर्वक अपने भक्तों के मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी बात बोली और महाराज वो मुरारी दास वृंदावन पहुँच गए। नरेश को, जो राजा थे वहाँ के, उनको बड़ा क्षोभ हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया शायद। वो माँ माँ कह के चरणों में ही तो गिरते थे, शायद कोई उच्च कोटि के भक्त थे, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। और गए महाराज जा करके मुरारी दास जी को मनाने के लिए वृंदावन गए राजा। गए तो वहाँ पर अभी ये मुरारी दास जी नए नए गए थे वृंदावन में, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो ढूंढने लगे भाई मुरारी दास है कहाँ, मुरारी दास कहाँ मिलेगा। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं कि भैया कहीं महल बनवा रखा हो, या कोई ऐसी रूम ले रखा हो, या गेस्ट हाउस ले रखा हो, कुछ ऐसा था नहीं। तो किसी ने उनसे कहा कि भैया मुरारी दास तो आपको एक पागल सा व्यक्ति हमने देखा तो है, जमुना जी के किनारे रज में पड़ा रहता है, जमुना जी के किनारे रज में पड़ा रहता है। तो गए और जा कर के देखा तो मुरारी दास जी वहीं पर जमुना जी के रज में पड़े हुए थे और भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। अब राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करो, मुरारी दास जी से कहा कि और हमारे साथ चलो। तो मुरारी दास ने कहा भैया पागल है क्या कोई, जो वृंदावन छोड़कर तेरे साथ जाएगा। कहने लगे पागल हो या ना हो मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। और मुरारी दास जी को जबरदस्ती रथ पे चढ़ा लिया अपने उस पे और कहा कि चलो मेरे साथ। मुरारी दास जी ने कहा चलो ठीक है चलो। मुरारी दास जी गए छत्तीसगढ़, पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह करवाया। मुरारी दास के लौट आने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण आ गए उसमें राज्य में।
इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में व्यतीत होने लगी, क्योंकि मुरारीदास जी खुद इतने सिद्ध संत हो गए थे भजन करते करते कि सारे जितने वृंदावन के भी संत हैं ना, जिन्होंने उन्हें देखा था, वो पीछे पीछे आ गए थे और छत्तीसगढ़ में ही रहने का वास उन्होंने शुरू कर दिया था। राजा पूरे दिन संतों की सेवा करता और श्री मुरारीदास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासानुदास होकर रहते थे। एक बार क्या हुआ, आप स्नान करके वापस आ रहे थे मुरारीदास जी, तो आते हुए एक व्यक्ति मिला। उस समय एक निम्न जाति के भक्त की आवाज उन्होंने सुनी मुरारीदास जी ने। वो निम्न जाति का भक्त क्या कह रहा था, जिसे भगवान के चरणामृत चाहिए, चरणामृत चाहिए जिसे भगवान का, वो हमारे पीछे आ जाए, जिसे भगवान का चरणामृत चाहिए वो हमारे पीछे आ जाए। अब ऐसी बात सुनी, मुरारीदास जी तो खुद बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा यार भगवान का चरणामृत मिलेगा, चलना चाहिए। वो पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए और जाकर के उसके घर जाकर कहने लगे भाई चरणामृत भगवान का। वो घबरा गया क्योंकि निम्न जाति का था, तो उसने कहा हमारा चरणामृत मैं ऐसा कुछ नहीं है। कहने नहीं नहीं अब तो चरणामृत लेंगे। और भाई उन्होंने मुरारीदास जी ने चरणामृत लिया उस व्यक्ति का, भगवत भक्त का। और महाराज ये सब बातें किसी जो आसपास के लोग होते हैं ना चिड़ंकू, उन चिड़ंकू लोगों ने देख लिया कि भाई मुरारीदास जी ने एक निम्न जाति के व्यक्ति का चरणामृत लिया है। ओहो ये बात पहुंचा दी राजा तक। अब राजा श्रद्धावान तो था, मुरारीदास जी में बहुत श्रद्धा रखता था, पर ऐसी बात सुनी तो फिर अश्रद्धा हो गई दोबारा, फिर अश्रद्धा हो गई। आज मुरारीदास जी जब दोबारा गए राजा के पास, तो राजा के हाव भाव से बोलने के तरीके से तो कटाक्ष सा महसूस हुआ कुछ। तो मुरारीदास जी ने कहा कि या कुछ अश्रद्धा हो गई है क्या तुम्हारे अंदर? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज ऐसे कह रहे नहीं, मुझे समझ गया मैं। और महाराज ऐसा भाव देखकर मुरारीदास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में फिर डूब गया। भैया उनका तो झोला तैयार रहता था संतों का, तो कहे भाई राज तो इज्जत देता तो रह लेते, नहीं देता तो अपना चल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को। अपना झोला बिस्तर उठाए फिर भाग गए। अब राजा फिर दौड़ा दौड़ा, क्योंकि उसे फिर दिमाग में आया यार संत तो संत हैं, उनके दिमाग में फिर कौन थी बात। फिर मुरारीदास जी को मनाने के लिए पहुंचे दोबारा। तो भैया राजा के जो राज्य था ना, उसमें संतों का हर साल एक मेला लगता था। इस बार मेले में कोई आया नहीं, क्योंकि मुरारीदास जी चले गए थे छोड़ के। तो राजा के मन में आया यार ये तो गड़बड़ हो गई, सारा वैभव छत्तीसगढ़ का जाता रहा। तो उन्होंने कहा मुरारीदास जी को लाना पड़ेगा दोबारा। फिर दोबारा मनाने के लिए गए, परंतु अब श्री मुरारीदास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी नहीं दिखाई दी छत्तीसगढ़ में, सब चले गए। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की मुरारीदास जी के सामने, उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारीदास जी राजा को संत भगवान से विमुख मानकर उसका मुख नहीं देख रहे थे, तो ये संतों में अश्रद्धा करने लग गया तो इसका मुख नहीं देखेंगे। राजा हाथ जोड़कर खड़ा था, उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मुझ दीनहीन की शरण में रखिए, मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीन वाणी सुनकर मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे दीनता आ जाती है ना, तो मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए। संतों का यही है, संत के सामने हजार गलती हो जाए और जाकर एक बार रुदन कर दो ना, तो संतों का हृदय पसीज जाता है, तो कोई बात नहीं चल कोई बच्चा। और महाराज मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए, राजा के साथ पुनः उनके राज्य में लौटे। आपका नाम सुनते ही अनेक संतजन वापस आ गए कि वापस आ गए राज्य में, तो वापस चलो। तो भैया उस महोत्सव में बहुत से, जब दोबारा महोत्सव हुआ तो खूब कीर्तन हुआ, नृत्य गान नाम कीर्तन मंगलमय मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। और खूब कीर्तन होने से एक बार क्या हुआ, जो ये मुरारीदास जी थे, ये नाम कीर्तन मैंने बताया ना गाते बहुत सुंदर थे,
तो एक दिन कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते ही उन्होंने एक कीर्तन बनाया, राम जी के वन गमन की लीला पर कीर्तन बनाया, और उस कीर्तन पर स्वयं खुद उन्होंने रोल निभाया। और निभाते निभाते जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भैया राम जी वन चले गए हैं, वनवास पे चले गए हैं, कीर्तन करते करते, और राम जी वनवास पे चले गए हैं तो उनके प्राण भी उस कीर्तन को करते करते चले गए। महाराज उस कीर्तन को करते चले गए, और मंदिर के बाहर ही जहाँ वो रहते थे वहीं उनका माला, कंथा, करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहे। और किसी को पता नहीं चला कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं चला। ऐसे संतों से भगवान अतिशय प्रेम करते हैं महाराज। ये नाम कीर्तन की महिमा थी, माँ ने सिखाया कीर्तन, और उस कीर्तन ने कैसा सिद्ध बना दिया, कैसा सिद्ध बना दिया महाराज। ऐसे जब हम नाम कीर्तन करेंगे और इस विश्वास से करेंगे, भाई जी कहते हैं इस विश्वास से नाम कीर्तन कीजिए कि नाम कीर्तन साक्षात भगवान है, तो काम हो जाएगा महाराज। हम कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना कर पाते हैं उतना करें। स्वामी जी कहते हैं हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। हाथ काम मुख राम रहे और हृदय में सांची प्रीत, तब काम हो जाता है महाराज, तब काम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है। हमने मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का नाम बहुत सुना है। ऐसे महात्मा थे जो सामने कोई संत आके बैठता था ना तो पता कर लेते चेहरा देख करके कहाँ है महाराज जी, और प्रत्यक्ष बोल भी देते थे। मतलब फिर सरकार कह रहे हैं मुंह पर ही बोल देते थे कि साधु जैसे ही वेश तो धारण कर लिया पर रहने नहीं है महाराज जी। तो कई लोग चिढ़ते भी थे, सत्संग में जाते नहीं थे उनके, क्योंकि वो बोल देते थे साधुओं को भी कि वैसी रहनी नहीं है। तो महाराज जी ने एक बार कहा कि ये मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का जीवन चरित्र सुना रहे थे। इनका नाम दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी था। सप्ताह में मंगलवार को सत्संग कराते थे। पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या प्रहलाद जी आए हैं क्या?